नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के बाद वाराणसी में भी पिछले कई दिनों से बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। पिछले कई दिनों से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था, लेकिन कल रात से गंगा का जलस्तर अपने सामान्य स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। अभी तो फिलहाल दो दिन से पानी घट रहा है। इससे पहले गंगा का जलस्तर एक बैग 5-6 फुट बढ़ गया था। अभी दो दिन से गंगा स्थिर है और 2 सीढ़ी पानी घटा हुआ है। मेरठ में रिटायर्ड फौजी के परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। दबंगों ने घर में घुसकर परिवार के सभी लोगों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दबंगों ने जाते समय फायरिंग भी की है। इस पूरी घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। आपको बता दें कि पीड़ित और दबंगों के बीच मकान पर कब्जे को लेकर रंजिश चली आ रही थी, जिसका कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने 6 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। लिसाड़ी गेट के खुशहाल नगर का एक पूरा मामला। आगरा के जैतपुर में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग के 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 2 अवैध देसी तमंचा, 1 पिस्टल, कारतूस भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी मध्य प्रदेश से आगरा हथियारों की तस्करी करने आए थे, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। शामली के केराना में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से 1 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी थी कि बरेली से 4 तस्कर कार से हरियाणा के पानीपत स्मैक की तस्करी करने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद शामली में जो अवैध मादक द्रव्य है, इनके रोकथाम के लिए लगातार जो है अभियान चलाया जा रहा है, और उसी अभियान के क्रम में आज थाना कैराना पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1 किलो 100 ग्राम लगभग जो अवैध स्मैक है वो बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। इस तस्करी में प्रयुक्त जो इनोवा कार थी वो भी बरामद किया गया है, और इस पूरे तस्करी के गिरोह में जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो लिंकेजेज हैं उन सबको हम लोग ट्रेस करा रहे हैं, और उन पर भी आवश्यक कार्रवाई वो भी सुनिश्चित की जाएगी, और इस गिरफ्तारी और जो रिकवरी है उसके संबंध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देश के 24 राज्यों तक अपना नेटवर्क फैला चुके धर्मांतरण गैंग की फंडिंग इस समय UPATS के रडार पर है। पकड़े गए आरोपियों जहांगीर आलम और मोहम्मद उमर से रिमांड पर की गई पूछताछ से मिली जानकारी की पुष्टि कराई जा रही है। साथ ही अभियुक्तों से जुड़ी सभी संस्थाओं के बैंक खातों का भी पता लगाया जा रहा है। इसके जरिए उन संस्थाओं और व्यक्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो इस गैंग को फंडिंग देते हैं। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर कुलदीप कुमार भी कानून व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे। साथ ही जिले के आलाधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा भी लेते हुए नजर आए। यूपी सरकार ने शनिवार को 12 जेल अधीक्षकों का तबादला कर दिया है। वाराणसी, आगरा, गोरखपुर सहित 12 जेलों के अधीक्षक बदले गए हैं। इनमें वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा, मुजफ्फरनगर सहित 8 अन्य जिलों की जेलों में नए जेल अधीक्षकों की तैनाती मिली है। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार किसको कहां मिली है तैनाती, आइए समझाते हैं। जानिए किसे मिली कहां तैनाती। सीताराम शर्मा अधीक्षक उरई से मुजफ्फरनगर, अरुण कुमार सक्सेना अधीक्षक मुजफ्फरनगर से वाराणसी, राजेंद्र कुमार अधीक्षक गाजीपुर से कानपुर देहात, हरिओम शर्मा अधीक्षक मैनपुर से गाजीपुर, ब्रिजेश कुमार अधीक्षक अयोध्या से मथुरा, ओम प्रकाश कटियार अधीक्षक बुलंदशहर से गोरखपुर, अरुण प्रताप सिंह अधीक्षक कानपुर देहात से नोएडा, भीमसेन मुकुंद अधीक्षक नोएडा से मऊ, प्रेमदास सलोनिया अधीक्षक रामपुर से आगरा, शशिकांत मिश्रा अधीक्षक आगरा से अयोध्या, अविनाश गौतम अधीक्षक मऊ से रायबरेली, रामधनी वरिष्ठ अधीक्षक गोरखपुर से फतेहगढ़। अब आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। मथुरा में पुलिस का फिल्मी अंदाज देखने को मिला, जहां मोटरसाइकिल चोरी कर भाग रहे चोरों को एक पुलिसकर्मी ने फिल्मी अंदाज में पीछा करते हुए लाठी का प्रहार कर गिरा दिया और एक चोर को पकड़ लिया, जबकि भाग रहे दूसरे चोर को वहां मौजूदा लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। गोवर्धन के दानघाटी मंदिर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है।
मऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया के बीच सपा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल सपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान सपा जिला अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी के इशारे पर हमारे प्रत्याशी को पुलिस ने लापता कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में जाना था, पर भाजपा के लिए एजेंट का काम कर रही पुलिस प्रशासन ने हमारे प्रत्याशी को लापता कर दिया। वहीं श्रावस्ती में भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और वहां से भी कुछ ऐसा ही आरोप देखने को मिल रहा है, जहां काफी समय हो जाने तक जब सपा की ओर से कोई नामांकन भरने नहीं आया, तब मीडिया के पूछने पर समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक इंद्राणी वर्मा ने कहा कि उनके प्रत्याशी को प्रशासन और भाजपा के मिलीभगत से गायब कर दिया गया। बिजनौर के खातापुर में एक दूध व्यापारी के अज्ञात बदमाशों ने सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी। रोज की तरह घर से दूध की डिलीवरी करने के लिए व्यापारी निकला था, इसी दौरान बदमाशों ने उसे गोली मार दी। व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दिनदहाड़े हुई हत्या की घटना से पुलिस प्रशासन में अलर्ट मोड़ पर आ गया है। पुलिस ने हथियारों की तलाश के लिए 3 टीमें गठित कर दी हैं। वहीं मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। एसपी ने बारीकी से जांच पड़ताल शुरू करते हुए बताया कि पहली नजर में मामला रंजिश हत्या का बताया जा रहा है, पर फिलहाल पुलिस कई पहलुओं से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना हल्दौर के खतापुर गाँव के 800 मीटर बाहर राजवीर पाल नाम के एक व्यक्ति की, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, सर में पीछे से गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी जानने वाले ने किसी रंजिशवश इनकी हत्या किया है। घटनास्थल के निरीक्षण से ये ज्ञात हो रहा है कि कोई इसमें परिचित व्यक्ति जुड़ रहा होगा। घटना का मोटिव ज्ञात किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। पंचायतनामा, पोस्टमार्टम एवं अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।